अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। मेरठ की नौचंदी थाना पुलिस को अब अदालत के आदेश की भी जरूरत नहीं है। किराएदार से मकान खाली कराने के लिए नौचंदी थाना प्रभारी खुद ही शास्त्री नगर सेक्टर 11 पहुंच गए और समझा दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर मकान खाली हो जाना चाहिए, वरना आप खुद समझदार हो। मामला चूंकि अधिवक्ता से जुड़ा था, लिहाजा आज अधिवक्ताओं ने नौचंदी थाने पहुंचकर इस बाबत अपना विरोध दर्ज किया। अधिवक्ता ने भी साफ कहा कि उसकी नीयत साफ है, वह भी मकान खाली करना चाहती हैं, लेकिन लॉकडाउन में अपने बुजुर्ग माँ बाप को लेकर वह कहाँ जाएं। इस वक्त तो वैसे भी कोई मकान किराए पर नहीं देगा। बातचीत में अंततः यही निकल करके आया कि SO पर भारी प्रेशर है, अतः जल्द ही मकान खाली कर दिया जाए। नौचंदी थाने पहुंचे अधिवक्ता अश्निका शर्मा ने मीडिया को इस बारे में पूरी जानकारी दी। आइए सुनते हैं। मेरा नाम अश्निका शर्मा है और मैं मेरठ बार एसोसिएशन में अधिवक्ता के रूप में कार्य करती हूँ। और पिछले इस महीने 9 जून को मेरे घर SO नौचंदी आशुतोष कुमार जी अपने 2 साथियों के साथ मकान खाली कराने पहुंचते हैं रात को 8 बजे, बिना किसी महिला कांस्टेबल को साथ लिए, और मुझसे अभद्रता का व्यवहार किया, बदतमीजी की और मुझे कहा कि झूठे आरोप में FIR करवा के तुम्हें और तुम्हारे भाई को फंसवा दूंगा अगर 2 दिन के अंदर मकान खाली नहीं किया गया। तो मैंने उनसे इस मामले में जब पूछा कि आप मुझ पर इतना दबाव क्यों डाल रहे हैं, लॉकडाउन का समय चल रहा है और आप इस तरीके से अननेसेसरी मुझ पर प्रेशर बना रहे हैं, आप क्या योगी जी की गाइडलाइन को या केंद्र सरकार की गाइडलाइन को, जो कोरोना के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो जहां है वो वहीं रहे, तो उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं? इस मामले में आप मुझे इस नियम का उल्लंघन करने के लिए कह रहे हैं कि मैं दूसरी जगह कहीं शिफ्ट करने चले जाऊं? कहां कौन मुझे कोई मकान दे देगा ऐसे स्थिति में, जब सब लोग अपने अपने घरों में हैं, मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं। तो उन्होंने इस बात पर मुझे कहा कि मैं कह रहा हूं आप 2 दिन में मकान खाली कर दीजिए, नहीं तो आपका सामान बाहर भिजवा दूंगा, आपको और आपके भाई जिनका नाम सुकुल जय प्रसाद है, वो भी मेरठ बार में अधिवक्ता है, और हम दोनों को ही FIR कराकर झूठे आरोप में फंसाने की धमकी दी है उन्होंने। किन्होंने दी है? आशुतोष कुमार जी ने, जो नौचंदी थाना प्रभारी है SHO, उन्होंने। तो अब आप इसमें क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि लॉकडाउन ख़त्म हो और एक सही समय में और एक मतलब ऐसे समय में मकान खाली कर पाऊँ। मैं दूसरे मकान को व्यवस्था बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ, लेकिन लॉकडाउन पीरियड में मैं मकान खाली नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे माता पिता 60 वर्ष से ऊपर के हैं, सीनियर सिटीज़न हैं। 64 साल की मेरी माता जी की आयु है, 65 साल 66 साल के मेरे पिताजी हैं, जो दोनों ही अध्यापक हैं। और मेरी माता जी को फरवरी माह में हार्ट अटैक पड़ा था, जिसके दौरान मैंने अपने मकान मालिक से मकान खाली करने का समय लिया था, लेकिन 21 मार्च को जो समय मुझे मिला था वो 20 मई तक का मिला था, 21 मार्च को लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन में मैं कहाँ जाती? मेरा वो समझौते में जो समय दिया गया था वो तो लॉकडाउन में ही ख़त्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में अब लॉकडाउन चल रहा है तो मैं कहाँ दूसरे की जगह अपनी व्यवस्था करूँ मकान की बनाने की? इसके लिए वो मुझ पर इस 9 जून से लगातार मेरे घर पे दबिश दिए जा रहे हैं, कभी SI महेंद्र कुमार शर्मा जी को भेज रहे हैं, कभी किसी को भेज रहे हैं, कभी फ़ोन आ रहे हैं, कभी खुद धमकाने आ रहे हैं रात को मुझे 8 बजे, और मेरे सड़क पर बुला के, मेरा घर ऊपर है 1st फ्लोर पर, मुझे सड़क पर बुला के सपरिवार मेरे परिवार की सामाजिक बेइज्जती करी और अभद्रता का व्यवहार किया, गाली गलौज की उन्होंने मेरे साथ, बदतमीजी की। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मुझ पर कोई अननेसेसरी अनैतिक रूप से दबाव ना बनाया जाए, और उनका ये भी कहना है कि मुझ पर ऊपर से प्रेशर है। मैंने उनसे पूछा कि कौन सा, कहाँ से ऊपर से प्रेशर है, तो उन्होंने कहा जी योगी जी का आदेश है। मैंने कहा योगी जी मुख्यमंत्री होते हुए आदेश करेंगे कि लॉकडाउन में घर खाली करवाया जाए? उनके साथ वरिष्ठ अधिवक्ता उर्वशी व अन्य भी थे, उन्होंने भी पुलिस की इस मनमर्जी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्या नौचंदी क्षेत्र में अपराध खत्म हो गए जो थाना प्रभारी मकान खाली कराने पहुंच गए? अधिवक्ता उर्वशी ने बताया कि बातचीत के दौरान SO ने ऊपर से प्रेशर होने की बात कही। आइए देखते हैं क्या बता रही हैं वरिष्ठ अधिवक्ता उर्वशी। सेटिंग करके यहाँ के थाना SHO को जो है इनके घर पे भेजा, बिना महिला पुलिस के आए, बदतमीजी करके पूरी गए कि तेरे भाई को बता दूंगा किसी मुकदमे में, चल तू बैठ मेरे साथ गाड़ी में भी चल, पूरी बदतमीजी इन्होंने करी है कि योगी के फोन आ रहे हैं और उसके फोन आ रहे हैं, SSP को फोन आए हैं, फलाना डिगड़ा नाटक करके ये झूठ मूठ बातें बता रहे हैं कि ये जो मतलब योगी जी फोन करके ये कहेंगे कि आप खाली करवाइए, SSP को फोन करेंगे।